कार्तिक के अरे वाह वाह अरे बाप रे इतने बड़े बड़े सांप नानी जी इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां भी तो हैं मुझे लगा हम छोटे बोर्ड पर तो हमेशा खेलते ही रहते हैं तो क्यों ना इस बार ऐसे खेला जाए बड़े में तो ये तो मजा आएगा ओके गाइस सब अपने अपने कलर्स पहले डिसाइड कर लो बाद में झगड़ा नहीं होना चाहिए चलो भाई आ जाओ भैरव ये सांप सीढ़ी का खेल तो अपने हाथ में था ना कार्तिक फिर 99 पे सांप क्यों रखा जो जीत के सिर्फ एक कदम पहले पूरी बाजी पलट देता है माँ ये सांप जिंदगी का सबसे बड़ा सच से नकार नहीं सकते हम चाहे जितनी बार डसे मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा तो करूंगा कभी हार नहीं मानूंगा मैं अपने बच्चों के लिए जो करना होगा करूंगा बेटा स्वर्णा बता रही थी कि कल कैरो के टेस्ट है ना पापा मैं नहीं चाहता हम छोटी से छोटी चीज भी नजरअंदाज करें कभी जो जो कायरव को आगे जाके तकलीफ दे जो भी टेस्ट करवाना हम करवा लेंगे वो मान तो गया सीरत को जाने देने के लिए पर उसका उसके दिमाग पर उसके मन में उसके हेल्थ पर क्या असर होता है ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए कार्तिक हाँ ठीक ही होगा और ठीक क्यों सब अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा हमारा कायरव जैसे पहले था वैसे हो जाएगा देखना यहाँ हम सब खुश पाप वहां सीरत खुश चलो आप लोग भी पहले कलर्स डिसाइड कर लो बाद में बोलना नहीं कि पसंद के कलर्स नहीं मिले हाँ। गेम शुरू करें आइए शुरू करते हैं भाई जो बच्चा है मैं रेड हूँ अच्छा मेरा येलो ऑलराइट मेरा ग्रीन चलो वंश खुशियों की गलियां अब सपनों के गांव में अब हवा का रंग सुनहरा हर झोंका फिर खुशियों की रुत लाता है ये रिश्ता क्या कहलाता है बुआ ने कहा तुम्हें भेज दूं तुम मिस कर रही होगी ना ये रिया भी ना मिस तो सच में बहुत कर रही हूँ सब कितने खुश लग रहे हैं सब कायरव भी कल टेस्ट है ना कायरव के हे खाटू महाराज उसकी रिपोर्ट ना बिल्कुल ठीक आवे कोई तकलीफ की बात ना हो सो गई क्या जाती मैसेज भी देख नहीं रही है ऑनलाइन तो है पर जवाब नहीं दे रही है उदास तो नहीं हो गई सीरत अकेले रहने की आदत भी तो नहीं है उसको बेचा क्या करूं मैं सीरत तारे अकेलेपन को दूर करने के लिए शरीर और दिमाग दोनों का ठीक होना जरूरी है कल वार्म अप मैच है उसका क्या करूं मैं तो गर्ल्स हॉस्टल है
ऊपर भी तो नहीं जा सकता ना मैं। ओ भाई क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। टाइम पे डिनर करके सो जाना सीरत, कल मैच है ना तुम्हारा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। थैंक यू एंड गुड नाइट। दो मिनट में 60 मैसेजेस, बावड़ा है ये रणवीर। सो जा रणवीर और मारे को भी सोने दे, गुड नाइट। जीत गया कार्तिक। 100, yes. What my luck? अरे के होया थारे लक को? आपने ना मारे से चीटिंग करी है। कौनी चीटिंग करी मैंने? घर से तो चली गई इनकी, पर दिल से ना गई मारी लाडो। अगर आप मारे से झूठ बोलोगे ना तो मारे खाटू महाराज थारे से नाराज हो जाएंगे। थारे खाटू महाराज इधर आ। नहीं 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 तू? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। कायरव और मामी के टेस्ट हैं आज, पर अभी तो उठे भी ना होंगे, तो बाद में ही फोन करती हूँ, फिर तो मैच की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। अरे थारी ये देखो, काम चोर कहीं का, गर्ल्स हॉस्टल के सामने ड्यूटी लगाई है और ऐसे चद्दर तान के सो रहे। अभी जगाती हूँ थारे का। गुड मॉर्निंग गॉड्स। क्या कर रही है तू? तू तू अरे तू ठेके कर रहा है और गार्ड कटे? गार्ड तो घर पे होगा ना, सो रहा होगा मस्त। क्या बकवास है ये? बकवास थोड़ी है, प्यार है हमारा। तू रात को यहाँ पे अकेली थी ना, तारा दिल नहीं लगता तो या अकेलापन महसूस होता तो मैं झट से आ जाता ना, इधर ही तो था मैं। तू भी ना चल जा घर, जा सो जा थोड़ी देर अच्छे से। तू नींद खुल गई मारे, थारे को देख लिया ना, वैसे भी नहला तो दिया तने मारे को। चले काम करते हैं, जॉगिंग करने चलते हैं, फिर वो जो नुक्कड़ की दुकान है ना हलवाई की, वहां से गरम गरम दूध पियेंगे, फिर तू चले जाना अपनी प्रैक्टिस के लिए, मैं भी घर जाऊंगा तैयार शहर होके, फिर वापस आ जाऊंगा तेरे पास। इतनी तैयारी करके रखी है तने? तैयारी तो उम्र भर की है। कायरव, कायरव चलो अपनी टेस्ट करवाने जाना है। मैं रेडी हूँ पापा। बस हम यू गए और यू वापस है। पापा हम बाइक पे जा सकते प्लीज? बाइक पे? अरे नहीं बाइक नहीं, मुझे डर लगता है। आपको थोड़ी ना जाने दादी। बेटा ये तो हमारे साथ नहीं गई, हमारे बाइकिंग क्लब की इतनी सारी ट्रिप जाती थी, शॉर्ट लॉन्ग पर। डरपोक है। मुझे बस कार में जाना सेफ लगता है, इसीलिए बाइक का कोई भरोसा नहीं कि इधर उधर स्किड हो गई तो। दादी याद है मैं उस दिन बाइक बड़ी के साथ गया था तो मुझे बहुत मजा आया था। कायरव प्लीज दादी। अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। और माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आराम से चलाऊंगा। और अम्मा आप गाड़ी में आ जाइए ड्राइवर के साथ, हम सब साथ में निकलते हैं। अम्मा अपना ख्याल रखना। सीरत। हेलो। हाँ सीरत। गुड मॉर्निंग आंटी जी, वो कायरव के टेस्ट है ना आज, वो मैंने कार्तिक को फोन किया था पर उन्होंने उठाया ना। हाँ वो लोग बस अभी अभी निकले यहाँ से, कार्तिक बाइक पे है, शायद इसीलिए उसका फोन पे ध्यान नहीं गया होगा। बाइक पे? हाँ वो कायरव जिद कर रहा था इसीलिए। अच्छा तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है और तुम्हारा मन लग रहा है कि नहीं वहाँ पे? हाँ जी। नाश्ता कर ले सीरत। नाश्ते के लिए बुला रहे हैं हमारे को, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। और आज तुम्हारी मैच है ना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। मारे को टेस्ट के बारे में बताया क्यों ना? दीदी आपने उसे मना क्यों नहीं किया कि वो यहाँ पे फोन ना लगाया करे, ताकि कायरव को भी उसके बगैर रहने की आदत हो जाए, और वैसे भी यही चाहते हैं ना हम। और मैं तो कहती हूँ कि इसकी नानी को भी यहाँ से चले जाना चाहिए,
ताकि उन लोगों से अब हमारा कोई भी लेना देना ना रहे। उसको गए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है सुरेखा, याद आना भी जायज है और चिंता करना भी, तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। और वैसे भी मन के रिश्ते जो होते हैं ना, वो दूर जाके भी खत्म नहीं होते। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।